चांद की खेड़ी चार भुजानाथ मंदिर की बेशकीमती भूमि से पूर्व सरपंच परिवार को ग्रामीणों द्वारा बेदखल करने के बाद पूर्व सरपंच परिवार द्वारा बार बार षड्यंत्र रचकर झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाते हुए नाराज चांदी खेड़ी की सैकड़ों महिला और पुरुषों ने पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर की जा रही अनुचित कार्रवाई को रोकने की मांग को लेकर बिजोलिया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन की प्रतिलिपियां मुख्यमंत्री सहित उच्च अधिकारियों को भेजी गई। बिजोलिया उपखंड क्षेत्र के चांदी की खेड़ी ग्राम की सैकड़ों महिलाएं सुबह गांव से पुरुषों को साथ लेकर 11 बजे बिजोलिया उपखंड कार्यालय पहुंची और उपखंड अधिकारी सीमा तिवाड़ी को ज्ञापन दिया कि चांदी की खेड़ी का एक बैरागी परिवार जो चांदी की खेड़ी ग्राम पंचायत का पूर्व सरपंच भी रह चुका के द्वारा स्थानीय चार भुजानाथ मंदिर की खातेदारी की बेशकीमती करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि पर अपना कब्जा कर रखा था, जिसका समस्त ग्रामीणों ने विरोध कर प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा उन्हें बेदखल करवाया था। तब से ही ये बैरागी परिवार आए दिन मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों व गांव के अन्य मुख्य लोगों के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा करना और झूठे मुकदमे लगाकर परेशान करने की कार्रवाई कर रहा है। विगत 26 फरवरी को भी उक्त लोगों ने चार भुजानाथ मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक को उसके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था, जो बिजोलिया थाने में प्रकरण संख्या 64/2022 के नाम से दर्ज है। इसी क्रम में हाल ही में होली के अवसर पर भी अपनी कूट रचित घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से बाहर से एक जाति विशेष के 10-20 लोगों को बुलाकर स्वयं के घर में तोड़फोड़ करवाई और उसका आरोप निर्दोष ग्रामीणों पर लगाकर प्रशासन के सामने झूठे साक्ष्य पेश कर मुकदमे दर्ज करवाए और गलत साक्ष्य और जानकारी कर प्रशासन को गुमराह करने के साथ ही ग्रामीणों को झूठे मुकदमे में अनुचित कार्रवाई कर परेशान करवाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इसलिए ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर झूठे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए बेकसूर ग्रामीणों पर कार्रवाई बंद करें तथा बैरागी परिवार के विरुद्ध न्यायोचित कार्रवाई शुरू कर ग्रामीणों को राहत प्रदान करें। ग्रामीणों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को भी प्रेषित की है।